आमिर रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड क्वांटम एकेडमी के हर सेक्शन में एक्सेप्शनल रिजल्ट्स उन्हीं के बच्चों की जबानी सुनिए। आई एम इंशा हुसैन अहमद। आई एम बेगतुबा अब्रार। आई एम अंसारी मोहम्मद वैस। आई एम अजलान खान। आई एम रुद्र पाटिल। आई एम मोहम्मद रियान। आई स्कोर 604 इन नीट, 99.39% इन एमएसटी सीटी एंड 91.33% इन एचएससी। My MSTCT score is 99.68% and I stood first in Mula. My NEET score is 563 and HSC percentage is 87.17%. I scored 91% in JEE, 91.58% in MSTCT and 89.17% in HSC board. And I scored 91% in 10th CBSE. And I scored 91% in ICSC board 10th result. I secured 91% in CBSE board. सोमवार सुबह की भारी बारिश के कारण अमृतनगर से शंकर मंदिर तक पानी ही पानी, रशीद कंपाउंड अंडरपास में भी भरा पानी। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। पिछले कई दिनों की लगातार होती बारिश के बाद भी जुलाई महीने की ये जो लगातार बारिश हो रही है, अब तक जो है अक्सर ऐसा होता है कि मुमरा कौसा में खास करके अमृतनगर का पूरा परिसर, उससे पहले दारुल फला का परिसर और उसके आगे फिर सोनाजी नगर शंकर मंदिर, तो खासकर दारुल फला से अमृतनगर तक अक्सर पानी भर जाता है। मगर इस बार सोमवार 22 जुलाई को जो सुबह बारिश हुई उसके कारण पहली बार ये पानी भरा, मगर उससे पहले ये लगातार बारिश जो है इसने श्रीलंका रशीद कंपाउंड परिसर में भी जाने वाला अंडरपास लगभग बंद कर दिया था। किस तरह से अंडरपास में पानी भर करके ये रास्ता बंद हो गया था, सबसे पहले वो देखिए। उसके बाद हम आपको गुलाब पार्क से होते हुए पूरे अमृतनगर दरगाह रोड परिसर का हाल दिखाएंगे, आगे सोनाजी नगर मित्तल चौरा, मित्तल को जाने वाला रास्ते का दाहना और फिर शंकर मंदिर। तो सोमवार की ये बारिश इतनी भारी रही कि आखिरकार फिर एक बार अमृतनगर शंकर मंदिर दारुल फला ये पूरे परिसर में पानी ही पानी रहा, तो रशीद कंपाउंड का अंडरपास भी पानी में डूबा।